आफ्टरनून अमोक सर, आई होप आप मुझे सुन पा रहे हैं। यस पुनीत, यूर ऑडिबल। सुन, आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। जी सर, तो मैं अपने जितने भी पार्टिसिपेंट अभी फिलहाल ज्वाइन हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हम आज का जो हमारा वेबिनार है वो हम कुछ ही पलों में शुरू करेंगे। एक एक आवाज थोड़ी 10 नीचे मिनट आ हम रही है। वेट करते हैं ताकि ताकि जो दूसरे भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, दूसरे भी जो लोग हैं वो ज्वाइन कर लें। तब तक मैं अमोक सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा अपना, अगर वो स्लाइड शेयर करते हैं तो। जी अमोक सर, जी। तो अमोक सर, हम एग्जैक्ट 4 o'clock को शुरू करते हैं सर, राइट? ओके पुनीत, ओके डन।
NCDS के आज के इस प्रोग्राम में मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज का जो वेबिनार है वो आपके लिए बहुत रिसोर्सफुल हो। मैं थोड़ा सा यहां पे अपने सारे पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम ठीक 4:05 पर आज का वेबिनार शुरू करेंगे, ताकि और भी लोग जो हमारे साथ इस वेबिनार में जुड़ना चाहते हैं वो कुछ चीज़ मिस ना कर जाए। और मैं सब अपने पार्टिसिपेंट से अनुरोध करूँगा कि वो थोड़ा सा हमारे साथ सहयोग करें और हम 4:05 पर अपना जो वेबिनार है आज का उसे हम शुरू करेंगे।
हेलो अमुक सर, हेलो अमुक सर, हेलो हेलो अमुक सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे? यस पुनीत बोलिए ना। सर हम क्या हम शुरू करें या और मिनट हम वेट करें? चाहिए तो रुकते हैं 5 मिनट, थोड़े बहुत लोग आई थिंक कोई ज्वाइन हो रहे होंगे, तो विल वेट एंड देन स्टार्ट। या सो वी विल वेट फॉर जस्ट 5 मिनट्स, चलेगा चलेगा, और ठीक है 4:05 पे हम अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। श्योर श्योर, ठीक है।
अमोक सर, तो मेरे ख्याल से आज हम शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। ओके पुनीत, शुरू करते हैं। और जैसे जैसे या सो मैं अपने सारे जो पार्टिसिपेंट हैं हमारे आज के वेबिनार के, जो सारे दर्शक हैं, उन सभी का तहे दिल से स्वागत कर, जो हमारा एक जो विश टू जो कि कमोडिटी इंडेक्सेस के शुरू में हम लाए हैं सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो मैं थोड़ा सा मेरा यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम पुनीत छबीले है, इंदौर ऑफिस में काम करता हूँ और बिजनेस डेवलपमेंट यहाँ पर एनसीडीएस के लिए देखता हूँ। मेरे साथ आज जो हमारे स्पीकर हैं वो मिस्टर अमोघ गोस्वामी जी, डीएम इन फाइनेंस और करीब करीब 11 साल से फाइनेंस सेबी के अंतर्गत जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड है इसके हैं, और एनएससी और जैसे बीएससी इनके जो एक्सचेंज है इनके अंदर भी जो प्रोटेक्शन के इन्वेस्टर होते हैं उनमें से कार्यरत है। अब मैं थोड़ा एनसीडीएक्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा यहाँ पर हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को। एनसीडीएक्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। जैसा कि आप अपने स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि फ्यूचर्स में ऑप्शंस और इंडेक्सेस, ये जो तीन का डेरिवेटिव्स मार्केट में तीन मैनेज करते हैं, उनमें फ्यूचर्स में 24 प्रोडक्ट है, मतलब 24 कमोडिटीज में काम होता है, ऑप्शंस में 7 कमोडिटीज में काम होता है, और इंडेक्सेस, इंडेक्सेस हम सभी के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इंडेक्सेस की परमिशन दी। और आज पर आप देखेंगे एग्रीडेक्स, सोयाडेक्स और ग्वारेक्स, ऐसे तीन प्रमुख इंडेक्सेस हैं जो कि कैश सेटल्ड है। जैसे आप इक्विटी मार्केट में निफ्टी देखते देखते होंगे या बैंक निफ्टी देखते होंगे, तो इसी प्रकार से जो कमोडिटी स्पेस में, हालांकि अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में, जो भारत एक एग्रेरियन कंट्री है, जो बैकबोन है एग्रीकल्चर इंडिया का, उसके अंतर्गत प्राइस रिस्क मैनेज करने के लिए फार्मर्स को, वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स को और बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, क्योंकि एग्रीकल्चरल एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हैं इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से, और साथ ही साथ एक अच्छा आप इसमें एक एक्सपोजर बना सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मिस्टर अमोक सर ये डायस संभाले और आज का जो वेबिनार है उसको आगे बढ़ाए, और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को आज का हमारा जो वेबिनार होगा वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा। इसमें पूरी तरीके से मिस्टर अमोक सर प्लीज़। पुनीत थैंक यू। सो आज का जो हमारा वेबिनार है वो कमोडिटी इंडाइसेस के बारे में है, जो बेसिकली हम कैसे डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, हेजिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं, और वो कौन से टाइप के एनसीडेक्स ऑफर करता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे पुनीत ने अभी बताया, वैसे तीन मेजर इंडाइसेस है जो कि एग्रीडेक्स, बुआरेक्स और सोइडेक्स, ऐसे ये तीन नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, मगर वहां जाने से पहले थोड़ा एक कमोडिटी मार्केट्स का एक ओवरव्यू आपको सबको देना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो कमोडिटी एक्सचेंज की जो स्थापना हुई थी या जैसे इवोल्यूशन हुआ है वो 19वें दशक से, यानी 19 सेंचुरी से शुरुआत हुई थी कमोडिटी ट्रेडिंग की। और तभी रीजनल कमोडिटी एक्सचेंजेस हुआ करते थे, जैसे कि फार्मर एसोसिएशंस होते हैं या ट्रेडिंग एसोसिएशंस होते हैं, उनके जैसे अलग अलग प्रकार के एसोसिएशंस हुआ करते थे। और उसमें से सबसे पहला, वन ऑफ द अर्लीस्ट, वॉज बॉम्बे कॉटन ट्रेडिंग एसोसिएशन। कोई मुंबई में अगर रहता होगा तो कॉटन ग्रीन स्टेशन जो है उसके लेफ्ट साइड में अगर आप सीएसटी के तरफ जा रहे होंगे तो जो बिल्डिंग दिखाई देती है वो हालांकि बॉम्बे कॉटन ट्रेडिंग एसोसिएशन की बिल्डिंग है, और वहां पे अभी भी कॉटन ट्रेडिंग की जाती है।
इसके बाद ही 1910 से लेके 1930 तक अलग अलग टाइप के कमोडिटी जैसे कि ऑयल सीड्स, रॉ जूट, इनकी ट्रेडिंग की गई। उसके बाद में फॉरवर्ड्स मार्केट कमीशन की स्थापना की गई 1953 में, 1953 में। उसके बाद में बहुत सी वोलेटिलिटी देखी गई मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में बहुत सी होल्डिंग देखी गई, उसके वजह से थोड़ी बैन भी ये मार्केट किया गया। और उसके बाद में 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने, जो हमारी केंद्र सरकार है, उन्होंने काफी सारी कमोडिटीज ओपन किए, जिसके बाद में ये ट्रेडिंग शुरू हुई। उसके बाद में 2003 में तीन कमोडिटी, नेशनल लेवल कमोडिटी एक्सचेंजेस की स्थापना की गई। और उसके बाद में मार्केट का जो रेगुलेटर था वो फॉरवर्ड्स मार्केट कमीशन हुआ करता था, लेकिन 2015 में सितंबर में, सितंबर 2015, ये साल और ये मंथ में बेसिकली सेबी ने एफएमसी को अपने आप में शामिल कर लिया गया। बेसिकली दोनों एफएमसी की जो ये थी, व्हाट यू कॉल दी स्ट्रक्चर था, वो पूरा का पूरा सेबी में विलीन हो गया। और उसके बाद में अभी सितंबर 2015 से सेबी ये मार्केट का रेगुलेटर माना जाता है। सो स्ट्रक्चर कमोडिटी एक्सचेंजेस की देखिए तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सबसे ऊपर, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आता है, उसके नीचे रेगुलेटर मार्केट का जो है, जो सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके नीचे ये नेशनल एक्सचेंजेस जो है, और उसमें सबसे बड़ी तीन जो एक्सचेंजेस है, हालांकि कमोडिटी एक्सचेंजेस जो एनसीडेक्स, एमसीएक्स, आईसेक्स और एनएनएससी और बीएससी भी, ये सभी टाइप के एक्सचेंजेस में शामिल है। थोड़ी बहुत स्टेप्स की बात करें कैसे मार्केट बढ़ता गया, तो 2015 में जैसे मैंने कहा कि सेबी ने टेक ओवर किया रेगुलेटर करके, एफएमसी जो था वो सेबी में शामिल हो गया, विलीन हो गया सॉरी। एंड उसके बाद में ये मार्केट सेबी ने पूरा का पूरा टेक ओवर करके एज अ रेगुलेटर, सेबी हैज बीन टेकिंग केयर एज अ रेगुलेटर अबाउट दिस मार्केट्स। उसके बाद में सेबी ने ऑप्शंस जून 2017 में अलाउ किए मार्केट में। उसके अलावा सितंबर 2017 में, यानी 2-4 महीनों के भीतर ही, सेबी ने इक्विटी और कमोडिटी आर्म्स ऑफ ब्रोकिंग को इंटीग्रेशन करने के लिए परमिशन दे दिया था। उसके बाद में बैंक सब्सिडियरीज को भी अलाउ किया था कि कमोडिटी प्रोडक्ट्स जो भी है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और बैंक्स को परमिशन दी गई एक प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर करके काम करने की। इसके बाद ही सितंबर 2018 में, एक साल के बाद, एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो होते हैं, उनको परमिट किया गया कि हेजिंग के तौर पर आप इंडियन मार्केट यानी जो कमोडिटी मार्केट है उसका यूज करके आप हेजिंग आपके एक्सपोजर के लिए कर सकते हैं। मार्च 2019 में म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स जो है, उनको भी परमिशन दी गई कि वो कमोडिटी डेरिवेटिव्स में अपना जो भी ये है पार्टिसिपेशन है वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद में जून 2019 में कमोडिटी इंडाइसिस, जैसे कि पुनीत ने स्टार्टिंग में ही बताया, सेबी ने परमिशन दी और एनसीडेक्स पे आज की डेट पे तीन कमोडिटी इंडाइसिस एक्टिव है, जिनका मैंने आपको नाम भी बताया थोड़ी देर पहले। अभी डिटेल में भी इसके बारे में हम थोड़ी ही देर में बात करेंगे। इंडियन मार्केट की अगर हम स्ट्रक्चर देखें ओवरऑल, तो मार्केट साइज जो आप अगर देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये साइज जो है वो यूएसडी बिलियन में अगर देखिए तो 2018 में 283 यूएसडी बिलियन था, 19 में थोड़ा कम हुआ 267, और फाइनेंशियल ईयर 20 लास्ट ईयर जो कोविड से, हालांकि बहुत इंपैक्ट भी ये मार्केट में दिखाई दिया, ओवरऑल ही इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमी में दिखाई दिया, 276.37 यूएसडी बिलियन का मार्केट साइज था एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स का। दूसरी जगह देखिए तो रबी और खरीफ सीजन जो होता है उसमें अगर बात करें तो कितने एरिया में ये जो सोइंग है या फिर जो भी क्रॉप्स उगाए जाते हैं या जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज या क्रॉप्स होते हैं, जैसा कि वीट है, पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, सीरियल्स है, राइस है, ये सभी कमोडिटीज का अगर आप देखिए तो एरिया वाइज कितना हेक्टर्स उन्होंने कवर किए हैं 2019-20 और 20-21 में, खरीफ और रबी सीजन में, वो भी आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और अगर हम जनरल ट्रेंड की बात करें तो भारत एक एग्रीकल्चरल सेक्टर में अगर देखें तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री या इकोनॉमी है, बहुत से हम कमोडिटीज एक्सपोर्ट किया करते हैं। और 2018 से अगर बात करें 2021 आज की डेट तक, तो ओवरऑल आप अगर देखोगे तो एक्सपोर्ट भी बढ़ते दिखाई दे रहा है। सो 38.21 से 0.54 बढ़ा है, उसके बाद में 35.09, लास्ट ईयर कोविड के वजह से थोड़ा इम्पैक्ट जरूर मार्केट में दिखाई दिया, और वापस ये साल
इस साल भी मार्केट में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। इसके बाद ही अगर बात करें तो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स, अगर अलाइड सेक्टर्स की बात करें अमाउंट के साइज की, तो यूएसडी बिलियन में अगर आप देखें तो राइस एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट किया करते हैं हम एज अ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद ही मिल्क प्रोडक्ट्स है, स्पाइसेस, मीट, शुगर, कॉटन और ऑयल मील्स, इसका भी आपको ब्रेकअप यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सो एक ये एक जनरल आपको ओवरव्यू देने के लिए मैंने अभी आपको स्लाइड दिखाई है कि अप्रोक्सीमेटली इंडियन मार्केट्स में आपको कैसा स्ट्रक्चर या कैसा आपको कंटेंट या यू कैन से पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज आपको दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे कमोडिटीज जो एनसीडेक्स पे उपलब्ध है, तो आज की डेट पे कमोडिटीज जो एनसीडेक्स पे है वो 24 कमोडिटीज है और अप्रोक्सीमेटली 7 अलग अलग कैटेगरीज में हमें ये दिखाई देती है, जैसे कि सीरियल्स एंड पल्सेस, स्पाइसेस, फाइबर्स जो है, गुआर जिसे हम गवार कहते हैं, ऑयल एंड ऑयल सीड्स, मेटल्स, और आज का जो मेन हमारा डिस्कशन होने वाला है जो कि इंडाइसेस, एग्रीडेक्स, गुआरेक्स और सोइडेक्स, ये 3 मेजर इंडाइसेस है जो कि एनसीडेक्स पे आज ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध है। सो इंडाइसेस की अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फ्यूचर्स 24 अलग अलग कमोडिटीज में उपलब्ध है एनसीडेक्स पे, ऑप्शंस जो है वो 7 अलग अलग कमोडिटीज में उपलब्ध है, और इंडाइसेस जैसे मैंने अभी कहा है 3 अलग अलग प्रकार के इंडाइसेस भी हमें ट्रेडिंग के लिए इस मार्केट में यानी एनसीडेक्स पे उपलब्ध कराए गए हैं। अभी डिटेल में हम शुरू करेंगे हमारे आज का टॉपिक या आज का डिस्कशन जो कमोडिटी इंडाइसेस के ऊपर है। तो सबसे पुराना इंडेक्स जो एनसीडेक्स आपके लिए ऑफर करता है वो है एग्रीडेक्स। सो एग्रीडेक्स की हम बात करें तो एग्रीडेक्स ये जो कमोडिटी है, इंडेक्स है सॉरी, ये भारत का सबसे पहला रिटर्न बेस्ड एग्रीकल्चर फ्यूचर्स इंडेक्स है और इसमें 10 अलग अलग प्रकार की कमोडिटीज को शामिल किया गया है। सो अगर हम कमोडिटीज की बात करें तो ये सभी कमोडिटीज का एक कंटेंट है, और अगर हम उसका ब्रेकअप देखें तो जीरा 5%, टर्मरिक यानी हल्दी जो है वो 3%, सोयाबीन 16%, चना 20%, मस्टर्ड ऑयल, राई जिसे कहते हैं 12%, गोवर सीड 9%, कैस्टर एरंडेल जिसे कहा जाता है 4%, कोकोनट जो 11% है, रिफाइंड सोया ऑयल 13%, गोवर गम 7% और जीरा 5%। सो ओवरऑल देखिए तो इसका ब्रेकअप आपको बहुत अच्छी तरीके से अलग अलग कमोडिटीज का इंडिविजुअल बाइंग करने से बेहतर है कि आप एक इंडेक्स के द्वारा भी आपकी हेजिंग या आपकी रिस्क कम करने की कोशिश, और दूसरी जगह आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने की भी कोशिश कर सकते हो। इंडिविजुअल कमोडिटीज की अगर हम इसमें बात करें तो ओवरऑल अगर हम 2016-17 से देखें से 21-22 तक, जो 11 जून तक का हमारे पास अभी स्क्रीन पे आपको डेटा दिख रहा है, सो इसकी अगर हम बात करें तो ओवरऑल इंडिविजुअल कमोडिटीज भी आपको अगर आप पिछले 6 सालों में देखें 2016 से लेके 2021 तक, तो कमोडिटी आपको ग्रीन में ही दिखाई दे रही है, विच बेसिकली इज टेलिंग यू मेनी अ टाइम्स कि ये आपको पॉजिटिव रिटर्न देती है। मगर नेगेटिव रिटर्न जब भी आपको आता है वो नेगेटिव रिटर्न कम करने की कोशिश में आप सबसे अच्छी चीज जो कर सकते हो वो है बेसिकली एग्रीडेक्स में डायरेक्टली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो इसमें आपको एडवांटेज क्या मिलने वाला है, तो सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा कि अलग अलग प्रकार के आपको कंपोनेंट्स, इसमें 10 अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स आपको दिखाई देंगे जो अभी हमने बात की है। इसके अलावा हर एक की वैल्यू असाइन की गई है, जैसे अभी आपने देखा कि सोयाबीन को 16% कंपोनेंट की ये दी गई है, वैल्यू दी गई है, वेट दिया गया है, चना को 20%, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वो एक एडवांटेज है यहाँ पे। इसके अलावा ही हमें इसमें रोल ओवर करने का भी एक फायदा मिलता है कि आप रोल ओवर फर्स्ट 3 डेज ऑफ द एक्सपायरी मंथ में आप रोल ओवर कर सकते हो, नेक्स्ट मंथ की कॉन्ट्रैक्ट में आप रोल ओवर पॉसिबल है। सो ये काफी एडवांटेजेस भी आपको ये मार्केट में दिखाई देगी। अगर इसके हम कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसकी जो यूनिट ऑफ ट्रेडिंग है वो है 1 लॉट, यानी 500 यूनिट कम से कम हमें इसमें लेने हैं। और अगर सेटलमेंट मैकेनिज्म की बात करें तो ये कैश सेटल होगा, यानी जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपको, प्रॉफिट है तो आपको पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में मिलेगा, और ऑन दी अदर साइड अगर लॉस है तो वो आपको देना पड़ेगा। सो इसमें कोई भी फिजिकल कमोडिटी की आपको गुंजाइश नहीं दिखाई देगी,
डायरेक्टली आपको कैश सेटलमेंट ही इसमें होगा, सो आपको एक्चुअली फिजिकल डिलीवरी लेने की कोई भी इसमें जरूरत नहीं होगी। और मैक्सिमम ऑर्डर साइज भी इसमें दी गई है जो है 50 लॉट्स। सो बेसिकली 500 यूनिट इज इक्वल टू 1 लॉट जो आपका मार्केट लॉट है, और मैक्सिमम आप ऐसे 50 लॉट ही ले सकते हो। कोटेशन या जो भी है वो पर यूनिट के हिसाब से आपको प्राइस रुपीज में दिखाई देगी INR में, और टिक साइज जो है जो मूवमेंट आपको प्राइस में दिखाई देगी वो 0.25 रुपीज की मूवमेंट आपको मार्केट में दिखाई देने वाली है। ट्रेडिंग आवर्स की बात करें तो मंडे से फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार 9 से 9 बजे तक, सुबह से लेके रात 9 बजे तक ये मार्केट खुला रहेगा। और मंडेज बेसिकली जो है करेंटली अभी जो है वो 9 से 5 बजे तक की मार्केट सीमित है। और ड्यू डेट या एक्सपायरी डेट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ, जो भी महीना होगा एक्सपायरी का उसका लास्ट ट्रेडिंग डे जो होगा वो एक्सपायरी डेट या ड्यू डेट या जिसे सेटलमेंट डेट भी कहा जाता है वो माना जाएगा। सो इस प्रकार से आप कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीड एक्स की कमोडिटी जो है एज अ प्रोडक्ट, एज अ इंडेक्स, इसमें आप ट्रेडिंग करके इसका जो फायदा है, मैंने जैसे कहा कि इंडिविजुअल कमोडिटीज भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, मगर एडवांटेज आपको इंडेक्स में एग्रीड एक्स में ये मिलेगा कि एट अ सिंगल टाइम आप 10 अलग अलग कमोडिटीज के कंपोनेंट्स के वेट के अनुसार, उसके जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है परसेंटेज है वो उसका वेट है, एक ऑटोमेटिकली आपको उसमें एडवांटेज इसका मिलने वाला है। और इसके वजह से इंडिविजुअल कमोडिटी के साथ साथ ही आप इंडेक्स में भी एग्रीडेक्स, ये जो पहला इंडेक्स है ये इसमें भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके आपकी जो रिस्क है जो जोखिम है वो डाइवर्सिफाई करने की और कम करने की कोशिश, मिनिमाइज करने की कोशिश आप जरूर कर सकते हो। सो दूसरी जगह अगर हम वोलेटिलिटी की बात करें तो वोलेटिलिटी मार्केट में अगर आपको जो दिख रही है वो 2016 से लेके अगर 2021 तक बात करें, 11 जून तक का वापस हम डेटा यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो हर एक मार्केट में अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली हर एक कमोडिटी की अगर आप वोलेटिलिटी देखें तो अप्रोक्सीमेटली एक 10 से 15% एवरेज, कोई कोई कमोडिटीज में उससे ज्यादा भी है, बट ऑन एन एवरेज अगर देखिए तो 10 से 15% आपको वोलेटिलिटी इसमें दिखती है। एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली द वोलेटिलिटी दैट यू वुड सी इन द एग्रीडेक्स, बिकॉज टोटल कंबाइंड ये सभी प्रोडक्ट्स तो नहीं है जो एग्रीडेक्स में हम यूज कर रहे हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स को हमने दिखाने की इसमें कोशिश की है। और इसके द्वारा ही आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो एग्रीडेक्स में करें, सो दैट आपको रिस्क, आपकी वोलेटिलिटी से जो रिलेटेड आपकी रिस्क है वो आप कम करने की कोशिश इससे कर सकते हो। दूसरी जगह अगर हम बात करें तो और दो प्रोडक्ट्स भी हमारे पास उपलब्ध है एनसीडेक्स जो ऑफर करता है, वो है सोएडेक्स और गुआरेक्स। सो गवार रिलेटेड जो दो प्रोडक्ट्स है वो है गुआर गम और गुआर सीड्स, और दूसरी जगह जो सोयाबीन है, सोएडेक्स जो इंडेक्स है उसमें सोयाबीन ऑयल और सोयाबीन, ये दोनों प्रोडक्ट्स आपको इसमें एडवांटेज करते हुए दिखाई देंगे। सो इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, तो सबसे पहला तो स्टेप होता है कि कमोडिटी की सिलेक्शन की जाती है, उसके बाद में वेट्स उसको अकॉर्डिंगली दिए जाते हैं, और उसके बाद में इंडेक्स वैल्यू की कैलकुलेशन भी की जाती है। सो ऑन एन एवरेज इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले तो कमोडिटी सिलेक्शन होती है। सो कमोडिटी जो भी सिलेक्ट की जाती है ये इंडेक्स में, सेक्टोरल इंडेक्स में सिलेक्ट की जाती है, वो एक ही सेक्टर से रिलेटेड होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि अगर गुआर एक्स है तो गुआर से रिलेटेड या गवार से रिलेटेड ही जो डेरिवेटिव रिलेटेड कमोडिटीज है वो उसमें आएंगे। सो इसीलिए उसमें गुआर सीड्स और गवार गम ये दोनों गुआर से ही रिलेटेड है, इसीलिए वो उसमें कवर की जाएंगे। सो एक ही सेक्टर से रिलेटेड होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक कमोडिटी, फॉर अ कमोडिटी टू बी एलिजिबल फॉर इंक्लूडेड इन द इंडेक्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द कमोडिटी शुड बी इन एक्सिस्टेंस फॉर एटलीस्ट प्रीवियस 12 मंथ्स। सो अगर आप कोई भी कमोडिटी को इंडेक्स में उसका कंपोनेंट लेना चाहते हो तो पिछले 12 महीनों तक यानी पिछले 1 साल तक कंटिन्यूअसली वो कमोडिटी ट्रेड हुई है कि नहीं ये देखना भी एटलीस्ट उसका जरूरी है, और एटलीस्ट कम से कम 90% ये 12 महीनों में उसकी ट्रेडिंग हुई होनी चाहिए, तो ही आप उसे एक इंडेक्स का भाग बना सकते हो। और ऑन दी अदर साइड जो भी उसका वॉल्यूम रिलेटेड डेटा है, ट्रेडिंग रिलेटेड डेटा है, वो कम से कम पिछले 1 साल तक अवेलेबल होना चाहिए। सो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इस प्रकार से ये कमोडिटीज को आप इंडेक्स में फिर शामिल कर सकते हो। सो इस प्रकार से आप आगे जाके कमोडिटीज को यू कैन इंक्लूड इट इन द इंडेक्स।
इसके बाद जो वेट रिलेटेड कैलकुलेशन होती है, सबसे पहले तो प्रोडक्शन वेट की कैलकुलेशन की जाती है, जिसमें वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन को टोटल प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ ऑल कमोडिटीज इन द इंडेक्स से डिवाइड किया जाता है। सो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन की कैलकुलेशन होती है एवरेज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो भी उसकी एवरेज प्राइस है, मल्टीप्लाइड बाय द प्रोडक्शन ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों का जो भी प्रोडक्शन होगा उसे वो मल्टीप्लाई किया जाएगा, और उसकी समेशन लेके आप वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन जो कि न्यूमरेटर आपको फॉर्मूला में दिखता है वो आप कैलकुलेशन इस प्रकार से करोगे। दूसरी जगह अगर हम लिक्विडिटी की बात करें, सो लिक्विडिटी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोई भी इन्वेस्टमेंट में, बिकॉज आप कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर भगवान ना करे लेकिन कोई भी अगर आप पे इमरजेंसी आ जाती है, तो आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट शायद बेच के उसमें से पैसा जल्द से जल्द लेना चाहोगे, जिसे हम लिक्विडिटी आसान शब्दों में कह सकते हैं। सो लिक्विडिटी की अगर वेट की बात करें तो ट्रेड वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल ट्रेड वैल्यू ऑफ ऑल कमोडिटीज, ऐसा उसका फॉर्मूला है और उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन किया जाता है। और ट्रेड वैल्यू कैसे आता है, तो टोटल जो भी उसकी वैल्यू है करोड़ों में, इन क्रोर्स, ऑन द एनसीडेक्स प्लेटफॉर्म फॉर लास्ट 12 मंथ्स, सो पिछले 1 सालों तक उसकी टोटल वैल्यू जो भी है इन टर्म्स ऑफ रुपीज क्रोर्स, उसको न्यूमरेटर लेके उसको डिवाइड किया जाता है टोटल ट्रेड वैल्यू ऑफ ऑल द कमोडिटीज जो भी उस इंडेक्स में हम लेते हैं उससे। सो जैसा मैंने कहा कि इसके अलावा कमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज का भी कैलकुलेशन किया जाता है, जो कि एक पर्टिकुलर फॉर्मूला से लाया जाता है। सो CIP यानी कि कमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज जो है उसका फॉर्मूला ऐसा आता है कि 0.5 × CLP, CLP जो कमोडिटी लिक्विडिटी परसेंटेज है जो हमने अभी इसके पहले देखा है, प्लस 0.5 × CPP जो कि कमोडिटी प्रोडक्शन परसेंटेज है, और दोनों में 70% का एक कैप लगाया जाता है, यानी मैक्सिमम 70%, और जो फ्लोर प्राइस है यानी लोअर साइड है वो 30% की इंडिविजुअल कमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज पे लगाई जाती है, और उसके हिसाब से ही कमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज जो है उसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो जैसा मैंने कहा कि एडवांटेज आपको क्या है कि आप इंडेक्स में या कोई भी एग्रीडेक्स हो या गुआरेक्स और सोडेक्स के बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, ये दोनों इंडेक्स के बारे में, लेकिन इंडेक्स में आपको क्यों इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कैश सेटल्ड है, कि आपको कोई भी कमोडिटी की एक्चुअल डिलीवरी लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पूरी की पूरी जो सेटलमेंट है वो कैश सेटलमेंट की जाएगी, यानी कि सिर्फ प्रॉफिट और लॉस आपको रुपयों में, आपको प्रॉफिट है तो मिलेगा, लॉस है तो आपको देना पड़ेगा, सो फिजिकल डिलीवरी यहाँ पे नहीं आएगी। दूसरी जगह अगर हम बात करें तो मार्जिन्स इसमें कंपैरेटिवली बाकी के मार्केट से कंपैरेटिवली बहुत कम लगाई जाती है, इजी टू ट्रेड है, लॉट्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, कोरिलेशन जो है इसकी वो अलग मार्केट से, हम कोरिलेशन का भी थोड़ा बहुत डेटा आगे जाके देखने वाले हैं, जिससे आपको भी पता चलेगा कि कोरिलेशन इसमें बाकी के कमोडिटीज के साथ अगर हम देखें तो बहुत कम अमाउंट में देखा गया है या कम कोरिलेशन देखा गया है। इसके अलावा ही आपको एक इंडिकेटर ये कमोडिटी का इंडेक्स जो है वो देता है कि किस तरफ मार्केट की प्राइस जा रही है, कमोडिटी की प्राइस जा रही है, इसका एक डायरेक्शन भी हम ये इंडेक्स से ले सकते हैं। इसके अलावा ही कैलेंडर स्प्रेड ट्रेडिंग भी आप इसमें कर सकते हो। कैलेंडर स्प्रेड ट्रेडिंग बेसिकली ऐसा होता है कि आप एक ही बार में दो अलग अलग प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स लेके जो अलग अलग एक्सपायरी डेट्स के हैं, जैसे कि नियर सीरीज है या मिड सीरीज है या फार सीरीज है, नियर यानी 1, मिड यानी 2 और फार यानी 3, सो कोई भी दो सीरीज आप लेके अगर आप ट्रेडिंग करना चाहे तो उसे कैलेंडर स्प्रेड ट्रेडिंग कहा जाता है, जो कि इंडेक्स में एग्रीडेक्स या गोआरेक्स या सोडेक्स में भी आप कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये अप्रोक्सीमेटली बहुत कम पैसा खर्च करके बहुत कम कॉस्ट में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके अलावा अभी जैसे मैंने कहा हम थोड़ा गोर इंडेक्स यानी कि गोरेक्स और सो इंडेक्स यानी कि सोएडेक्स के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले तो वेट्स क्या है, मतलब इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं। सो जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, गोर इंडेक्स में यानी गोरेक्स में गोर सीड और गोर गम, ये दोनों चीजों का आपको इसमें कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं। सो गोर सीड है ये 63% कंपोनेंट है इसमें, इसका वेट 63% है, और गुआर गम का 37% है। सो बेसिकली आपको अगर मैं बताना चाहूं तो गवार सीड जो है उससे गुआर गम लाया जाता है, सो रॉ मटेरियल जो है वो है गुआर सीड और उससे गम लाते हैं। गुआर गम का क्या फायदा है, क्यों ये मार्केट में यूज होता है, इसके बारे में भी हम और डिटेल में थोड़ी ही देर में बात करेंगे। दूसरी जगह अगर हम देखें तो सोए इंडेक्स जो है, जिसे सोएडेक्स कहा जाता है,
सोयाबीन 69% है और रिफाइंड सोया ऑयल इसका कंपोनेंट है 31%। सो दोनों की अगर हम टोटल ले तो 100% होता है, विच इज द टोटल ऑफ द ओआरएक्स एंड द सोयाएक्स। सो ये कंपोनेंट्स है इन दोनों इंडेक्स के। अगर इसके बाद में हम कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन देखें ओआरएक्स की, तो इसमें तीन सीरीज उपलब्ध है। सबसे पहला नियर 1 मंथ, मिड 2 मंथ एंड फार 3 महीने की सीरीज। और दूसरी जगह अगर हम देखें तो टिक साइज जो है वो वापस जो मूवमेंट होती है प्राइस की, वो 1-1 रुपयों में मूवमेंट होती है। यूनिट ऑफ ट्रेडिंग 1 लॉट है जिसमें कम से कम आपको 100 यूनिट्स बाइंग या सेलिंग करने की जरूरत है। और जो भी इसकी ट्रेडिंग आवर्स है, करेंटली मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 5 PM, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक इसकी ट्रेडिंग की जाती है। अगर एक्सपायरी की बात करें तो ऑन द डे ऑफ द एक्सपायरी जो भी प्राइस 5 बजे की होगी, वो प्राइस आपकी सेटलमेंट प्राइस होगी और उसके हिसाब से आपकी प्रॉफिट या लॉस जो है वो कैश सेटलमेंट की जाएगी। उसकी एक्सपायरी डेट है लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ। सो जो भी महीना आपका एक्सपायरी का है उसका लास्ट ट्रेडिंग डे जो भी होगा, सो मंडे से फ्राइडे में जो भी लास्ट ट्रेडिंग डे होगा वो कैलकुलेट करके वो आपका एक्सपायरी या सेटलमेंट डे माना जाएगा। जो भी फाइनल प्राइस होगी वो आपकी प्राइस पकड़ के उसके अकॉर्डिंग आपकी सेटलमेंट जो है वो कैश सेटलमेंट के थ्रू की जाएगी। और इनिशियल मार्जिन जो आपको देना है वो है 10% और बाकी का जो डिफरेंस है वो मार्क टू मार्केट के हिसाब से आपका कैलकुलेट किया जाएगा। अभी गोवा एक्स की बात करें तो गोवा मार्केट का आउटलुक क्या है वो थोड़ा बहुत सबसे पहला देखेंगे। तो गुआर गम जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो मार्केट में बेसिकली बहुत अलग अलग चीजों में यूज किया जाता है। सबसे मैक्सिमम यूज जो इसका होता है वो है ऑयल एंड गैस सेक्टर में। इसके अलावा फूड एंड बेवरेजेस, माइनिंग एंड एक्सप्लोजिव्स में, पेपर इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक्स। फार्मास्यूटिकल आज कोविड के टाइम पे पिछले साल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, बहुत डिमांड गुआर गम के लिए यहाँ से ये सेक्टर से आ रही है। और इसके अलावा ही अदर्स जिसमें टेक्सटाइल है, एनिमल फीड है, टोबैको है, सिरामिक्स है और सिंथेटिक रेजिन्स है, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में गुआर गम की बेसिकली डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रही है। सो करेंटली अगर हम गुआर मार्केट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली $824 मिलियन का ये मार्केट है। और अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 2026 तक अगर हम उसकी फोरकास्ट एस्टिमेशन देखें तो 1.20 बिलियन US डॉलर्स इतना बढ़कर अप्रोक्सीमेटली 7.9% के CAGR के अकॉर्डिंग वो मार्केट बढ़ता दिखाई दे रहा है। सो दिस इज जस्ट अ प्रोजेक्शन 2026 में मार्केट कहाँ गोवर मार्केट जा सकता है। एशिया पैसिफिक की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली गुआर गम जो है वो ये मार्केट में, एशिया पैसिफिक मार्केट में बहुत कम तौर पर यूज होता है। मगर सबसे हैरानी की इसमें बात यह है कि 80% जो टोटल दुनिया में गुआर गम बनता है या जो भी प्रोडक्शन होती है उसमें से 80% सिर्फ इंडिया से निकलता है। हालांकि मेन स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान, गुजरात और हरियाणा, ये तीन स्टेट्स मेजर स्टेट्स है यहाँ से इसका प्रोडक्शन किया जाता है। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा अलग अलग मार्केट्स में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसकी डिमांड आती दिखती है। दूसरी जगह कंजम्पशन की बात करें तो सबसे बड़ा कंजम्पशन जो होता है गुआर गम का वो है नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में। और दूसरी जगह स्पेसिफिकली ये ऑयल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। बिसाइड्स दैट अफ्रीका मार्केट कंपैरेटिवली छोटा है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो फोरकास्टिंग जो हमने 2026 की है उसमें अफ्रीका में इतना ज्यादा डिमांड नहीं दिख रहा है। ऑन द अदर साइड अगर बात करें तो लैटिन अमेरिका में भी आपको बहुत ज्यादा इसका डिमांड बढ़ते दिखाई देता है। और स्पेसिफिकली चीज रिलेटेड या सॉसेज या सूप एंड एनिमल फीड रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज है वहां इसकी डिमांड बढ़ते दिखाई दे रही है। सो गोआरेक्स में स्पेसिफिकली इन्वेस्ट क्यों करें अगर हम बात करें तो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस। ये इंपॉर्टेंट रीजंस है कि इसके वजह से हम ये मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि ये मार्केट का आउटलुक अगर हम बात करें तो जैसा मैंने कहा बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरी जगह अगर हम बात करें तो 4.2 अप्रोक्सीमेटली CAGR की बात कर रहे हैं। ये एक अलग रिपोर्ट की मैं मदद लेके आपको बता रहा हूं जिसमें 2016 से 2026 का एस्टिमेशन लगाया गया है और बेस ईयर 2020 यहाँ पे पकड़ा गया है। और ये मोल्डर इंटेलिजेंस करके एक रिपोर्ट है, एक कंपनी है जिनका मार्केट रिसर्च रिपोर्ट यूज करके
ये डेटा आपको मैं दिखा रहा हूं। सो अगर मार्केट शेयर की बात करें तो 2020 में जैसा मैंने कहा कि 80% ऑलमोस्ट जो प्रोडक्शन हो रहा था वो इंडिया से हो रहा था, तो आप देख सकते हो मैक्सिमम यहाँ पे डेटा इंडिया का ब्लू कलर में आपको दिख रहा है यहाँ पे हो रहा है। इसके अलावा ही अलग बाकी के जो कंट्रीज है जहाँ पे इसका ये होता है प्रोडक्शन होता है वो है पाकिस्तान, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और बाकी के अलग अलग देश। अगर ग्रोथ की बात करें तो ओवरऑल जो ग्रोथ है वो मैक्सिमम जो हाई लेवल पे ग्रोथ दिखाई दे रही है वो आपको इंडिया में दिख रही है, बिकॉज जैसा मैंने कहा कंजम्पशन की तौर पे अमेरिकन मार्केट्स या लैटिन अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, वहां पे डिमांड ज्यादा दिखती है, कंजम्पशन होता है। पर प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे अपने देश में इंडिया में इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा की जाती है, और जैसा मैंने कहा मेजॉरिटी जो होती है वो 3 स्टेट से निकलती है, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। सो ये प्रोडक्ट बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए बनता है बिकॉज ऑफ दिस ऑल थिंग्स। सो गुआर मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो डेफिनेटली आप गुआर इंडेक्स से शुरू कर सकते हैं, जिसमें कंपैरेटिवली जैसा मैंने आपको ऑलरेडी उसके एडवांटेजेस बताई हैं, उसमें आप कम रिस्क लेके दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में जो रॉ मटेरियल है जो गुआर सीड्स है उसके साथ ही गुआर गम दोनों ही कमोडिटीज में आप एक एक्सपोजर लेके आप अपना पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी दूसरी जगह अगर हम सोयाडेक्स की बात करें तो एनसीडेक्स का जो सोयाडेक्स है वो तीसरा इंडेक्स है, इसमें भी आपको 3 सीरीज दिखाई देगी जो कि नियर 1 मंथ, मिड 2 मंथ्स और फार 3 मंथ सीरीज है। टिक साइज इसमें भी 1 रुपया का है, सो जो वोलेटिलिटी आपको दिखाई देगी प्राइस में वो 1-1 रुपए से कम या ज्यादा होते दिखाई देती है। इसके अलावा ही जो यूनिट ऑफ ट्रेडिंग है इसमें मार्केट लॉट जो है वो 100 यूनिट्स रखा गया है, सो कम से कम आपको 100 यूनिट्स एट अ टाइम बाय या सेल करने होंगे। इसकी भी जो ट्रेडिंग है वो 9 से 9 बजे तक की जाएगी, सो सुबह 9 से रात को 9 बजे तक इसकी ट्रेडिंग होगी, और ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी जो भी सेटलमेंट प्राइस होगी वो 5 बजे की प्राइस के हिसाब से उसका कैश सेटलमेंट किया जाएगा, और ये एक्सपायरी डेट जो है वो वंस अगेन लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द एक्सपायरी मंथ होती है, और इनिशियल मार्जिन इसमें भी 10% रखा गया। सो अगर हम अभी उसके डेटा रिलेटेड कुछ बात करें कि सोयाडेक्स में आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सो सबसे पहले तो उसकी एक मार्केट समरी वापस मोल्डर इंटेलिजेंस का जो रिपोर्ट है वो अगर हम देखें तो 2021 से 2026 तक 3.5 CAGR के हिसाब से ये मार्केट बढ़ता दिखाई दे रहा है। एस्टिमेशन वापस एक बार हम बात करें 2020 का अगर बेस ईयर लेके तो 3.5% के CAGR के हिसाब से ये मार्केट बढ़ता दिखाई दे रहा है। दूसरी जगह अगर हम सोयाबीन की बात करें एज अ प्रोडक्ट, तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो वो मार्केट शेयर के हिसाब से बात करें तो इंडिया का मार्केट कंपैरेटिवली यहाँ पे मीडियम साइज मार्केट है, गुआर मार्केट है वो कंपैरेटिवली ज्यादा इंडिया की तौर से प्रोडक्शन रिलेटेड है, कंपैरेटिवली सोयाबीन का जो मार्केट है वो थोड़ा मीडियम स्टेज पे इंडियन मार्केट्स में दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम सोयाबीन ऑयल की बात करें तो सोयाबीन ऑयल जो है वो बेसिकली 5.78% के CAGR से बढ़ता दिखाई दे रहा है 2020 से 25 की अगर हम बात करें। सो सोयाबीन एक है प्रोडक्ट सोयडेक्स में और दूसरा प्रोडक्ट है ऑयल। सो कंपैरेटिवली अगर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल की अगर हम बात करें तो इसमें ज्यादा CAGR दिखाई दे रहा है अगले 5 सालों तक। सो 2025-26 की अगर हम बात करें तो सोयाबीन ऑयल में ज्यादा CAGR दिख रहा है, 5.78 का एस्टिमेटेड है, और नॉर्मल सोयाबीन की बात करें तो सिर्फ 3.5 का CAGR दिख रहा है। ऑफ कोर्स दीज आर बोथ प्रोजेक्शंस और एस्टिमेशंस, मगर ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो एक ऑलमोस्ट हमें ये दिखाई दे रहा है कि सोयाबीन ऑयल हम ज्यादा प्रिफर कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल कमोडिटी, बट अगर दोनों का एडवांटेज लेना है तो जैसा मैंने कहा आप सोयडेक्स के थ्रू दोनों का एडवांटेज लेके आप अपना एक्सपोजर सोयाबीन मार्केट की ओर आप कर सकते हो। मार्केट साइज के हिसाब से वापस एक बार बात करें तो सोयाबीन ऑयल में कंपैरेटिवली 2019 का अगर हम डेटा देखें तो मार्केट इंडिया में अगर हम देखें स्पेसिफिकली यहाँ पे दिख रहा है इंडिया, सो अगर हम देखें तो यहाँ पे हाई कंपैरेटिवली मार्केट साइज, तो सो मार्केट साइज इंडिया में कंपैरेटिवली बड़ा है सोयाबीन ऑयल के लिए। सो वंस अगेन आई रिपीट, सोयाबीन ऑयल कंपैरेटिवली अच्छा प्रोडक्ट है एज कंपेयर टू सोया रिफाइंड यू कैन से सोयाबीन, एंड कंपैरेटिवली
कंपैरेटिवली अगर हम दोनों का एडवांटेज लेना चाहे तो सोयाडेक्स का इन्वेस्टमेंट करके इंडेक्स में आप जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो करके आप अपनी डाइवर्सिफिकेशन के साथ ही रिस्क भी मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है जो यूनाइटेड नेशंस का एक आर्म है या डिपार्टमेंट है उसका अगर हम फूड आउटलुक ले, सो जो जून 2021 का मैंने रिपोर्ट रिफर किया है ये डेटा आपके सामने रखने के लिए, सो ये जो जून 2021 का रिपोर्ट है उसमें अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज 2006 से लेके 2020 तक का डेटा आपके सामने है, और अगर हम सोयाबीन और सोयाबीन ऑयल को ही यहाँ पे कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली आप अगर देख सकते हो तो डेटा आपको सोयाबीन ऑयल में 2010, 11, 12 कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा दिखाई दिया, और उसके बाद में ऑन एन एवरेज थोड़ा गिर के वापस अभी राइस पे आपको दिखाई दे रहा है। सो आगे की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको दोनों ही मार्केट्स में, एज आई सेड, मैंने पहले ही आपको बताया कि सोयाबीन ऑयल में कंपैरेटिवली ज्यादा वोलेटिलिटी या ज्यादा ग्रोथ दिखती है एज कंपेयर्ड टू सोयाबीन एज अ रॉ मटेरियल, मगर दोनों ही प्रोडक्ट्स का एक साथ ही एडवांटेज लेने के लिए डेफिनेटली आप सोयडेक्स के थ्रू आपकी डाइवर्सिफिकेशन आप करने की कोशिश कर सकते हो। इसके साथ ही आपको पाम ऑयल जो सीपीओ कहा जाता है, क्रूड पाम ऑयल, उसके में उसमें भी आप एक इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश, जो एनसीडेक्स में एक इंडिविजुअल कमोडिटी के तौर पे उपलब्ध है उसमें भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हो। अगर 2020 और 21 का डेटा अगर हम ले तो 2020 जनवरी से लेके 2021 मई तक आपके सामने डेटा रखा गया है। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो आपको दिख रहा है वो है सोयाबीन, सेम जो सेम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, और दूसरा डेटा जो आपको दिख रहा है वो है सोयाबीन ऑयल का डेटा। सो ये दोनों की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको कंपैरेटिवली प्राइसेस बढ़ती दिखाई दे रही है। 2020 में मार्केट कोविड के वजह से कंपैरेटिवली कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, कम हो गया था, और उसके बाद में धीरे धीरे आपको मार्केट वापस एक बार उभरता हुआ, इंक्रीज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। सो डेफिनेटली आप अगर आगे की प्रोजेक्शन करें या एस्टिमेशन करें, मैंने जैसे आपको ऑलरेडी डेटा में दिखाया है कि वो डेफिनेटली एक बुलिश मार्केट है, बुलिश आपको एक ट्रेंड दिखाई देगा, और उसके हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स इंडिविजुअल कमोडिटीज के साथ ही आप एडवांटेज दोनों का एक साथ लेने के लिए आप सोयाडेक्स या गोआरएक्स के थ्रू आप दोनों ही मार्केट्स में दोनों ही इंडाइसेस के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट आपकी कर सकते हो। इसके अलावा सो मैं वापस एक बार कहना चाहूंगा कि ये जो डेटा आपके सामने अभी मैंने रखा था ये फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशंस का एक डिपार्टमेंट है उनका फूड आउटलुक रिपोर्ट जो है 2019 सॉरी 2021 जून का वो रिफर करके आपके सामने ये डेटा रखा गया था। इसके बाद जो अगला डेटा आपके सामने है वो है कंपैरिजन सोयाबीन का शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड और डालियन कमोडिटी एक्सचेंज। सो डालियन कमोडिटी एक्सचेंज ये है चाइना में है, डालियन इज अ सिटी इन चाइना, वहां का एक शहर है, और शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनाइटेड स्टेट्स में है। सो इनका अगर हम डेटा बात करें तो इनका 2021 का अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें, सो ओपन इंटरेस्ट इज बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये मिलियन मेट्रिक टन्स में है। सो अगर हम इसकी ओवरऑल ग्रोथ देखें तो सोयाबीन मील जो है, सोयाबीन है और सोया ऑयल है, ये तीन अलग अलग कमोडिटीज है जो सोयाबीन एज अ ओवरऑल कमोडिटी में दिखाई देती हैं, और तीनों का अगर हम डेटा देखें कंपैरेटिवली तो ओवरऑल ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 45%, 54% और 66% ये इंटरेस्ट का, और अगर प्रोडक्शन का अगर हम कंपैरिजन करें यानी ओपन इंटरेस्ट और प्रोडक्शन का अगर कंपैरिजन करें तो ओवरऑल आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड वापस एक बार दिखाई दे रहा है। और दूसरी जगह अगर हम चाइना में बात करें तो ओपन इंटरेस्ट कंपैरेटिवली कम है बिकॉज मार्केट कंपैरेटिवली क्लोज्ड है या रेगुलेटेड बहुत ज्यादा है चाइना में एज कंपेयर टू इंडियन मार्केट्स या इंटरनेशनल मार्केट्स। सो यूएस में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा दिखाई देती है, इसीलिए ओपन इंटरेस्ट और प्रोडक्शन का अगर परसेंटेज देखते हैं तो वो भी यहाँ पे ज्यादा ही दिखाई देता है, लेकिन वही अगर चाइना में हम देखें कंपेरेटिवली तो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड मार्केट है, और होने की वजह से आपको वहां पे जो परसेंटेज दिखाई दे रहा है वो कंपेरेटिवली थोड़ा कम वहां पे आपको दिखाई देगा। और कंपैरिजन दोनों की करें तो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में लिक्विडिटी भी बहुत ज्यादा आपको दिखाई देती है एज कंपेयर टू डालियन कमोडिटी एक्सचेंज।
इसके साथ ही अगर हम इंडियन एग्री फ्यूचर्स की बात करें तो 2020-21 का अगर हम डेटा ले, स्पेसिफिकली सोया ऑयल का और सोयाबीन का अगर हम डेटा ले, जो दो मेन प्रोडक्ट्स हम सोडेक्स में वेट की तौर पे या कंपोनेंट की तौर पे यूज कर रहे हैं, तो इसका अगर हम कंपैरिजन करें ओपन इंटरेस्ट और प्रोडक्शन का, तो इसमें 3.11% का आपको एक परसेंटेज दिखाई देता है, और दूसरी जगह अगर हम बात करें तो 1.16% का सोयाबीन में आपको एक परसेंटेज दिखाई देता है। सो स्पेसिफिकली अगर हम इनको कंपेयर करना चाहे या इनको अगर हम मार्केट के तौर पर एक रिसर्च के लिए या एक यू कैन से स्टडी के लिए हम एनालाइज करने के लिए यूज करना चाहे, तो दो मेन चीजों का, दो मेन इवेंट्स का हम चेक करके या स्टडी करके या अभ्यास करके हम उसका आगे जाके यूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो रिपोर्ट है वो VSWSDE रिपोर्ट होता है, जो स्पेसिफिकली हर महीने की 10 तारीख को निकलता है, और दूसरा जो रिपोर्ट होता है वो बेसिकली MPOB रिपोर्ट होता है, जो एवरी 10th of every month को, 10 तारीख हर महीने को पाम ऑयल रिलेटेड जो भी डेटा है उसके लिए निकलता है, और WSDE जो रिपोर्ट होता है वो सोए प्रोडक्ट्स के लिए या सोयाबीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए निकाला जाता है। जैसे अब मैंने आपको शुरुआत में बताया था, वैसे प्राइस कोरिलेशन की अगर हम बात करें तो कोरिलेशन यहाँ पे बहुत कम दिखाई देगा। तो सबसे पहले कोरिलेशन हम देखेंगे रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और जो एनसीडेक्स पे और सिबॉट पे है उसका। सो 2020 का अगर हम डेटा देखें तो बहुत कम कोरिलेशन वहां पे आपको दिखाई दे रहा है। सो ऑन एन एवरेज अगर हम 10 महीनों का या 11 महीनों का ले, दिसंबर तो नेगेटिव में है सो हम उसका नहीं लेंगे, बट पॉजिटिव कोरिलेशन अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज एक 40 से 50% का एवरेज अगर हम देखें तो उसका कोरिलेशन दिखाई दे रहा है। और वही अगर 2021 में हम दोनों ही मार्केट्स का रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का अगर हम कोरिलेशन ले प्राइस का, तो ऑन एन एवरेज एक 35-40% का एवरेज हमें दिखाई दे रहा है। वही अगर हम दूसरे जगह जाए और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का एनसीडेक्स और एमसीएक्स का जो है वो अगर कोरिलेशन ले, तो 2020 में बहुत ज्यादा कोरिलेशन हमें दिखता है, बिकॉज दोनों ही मार्केट्स ऑफकोर्स इंडिया में है, दोनों ही कमोडिटी एक्सचेंजेस इंडिया की है, इसीलिए ज्यादा कोरिलेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगा, और दोनों ही मार्केट्स जो है या दोनों ही एक्सचेंजेस जो है वो दो सेम कमोडिटी भी ऑफर करती है, इसीलिए वो कोरिलेशन की तौर पे यूज की गई है। दूसरे जगह अगर हम 2016 से लेके 2021 तक का डेटा ले, तो उसमें अगर हम कंपेयर करें तो प्राइस कोरिलेशन आपको सबसे पहला जो आपको डेटा दिख रहा है वो है रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का एनसीडेक्स और सीबॉट का कोरिलेशन, पूरे साल का ये डेटा आपको दिखाई दे रहा है। सो 43% का कोरिलेशन है, और धीरे धीरे 2017-18 में वो कम हो गया था, और वापस 2019 और 2021 में वो डेटा कोरिलेशन की तौर पे इंक्रीज हुआ है। सो वी शोज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर दूसरे जगह हम देखें तो रिफाइंड सोयाबीन ऑयल एनसीडेक्स पे और सीपीओ यानी क्रूड पाम ऑयल मलेशियन बोर्स पे, BMD यानी बोर्सा मलेशिया डेरिवेटिव्स, इस अगर एक्सचेंज पे हम देखें तो उसमें भी एक पॉजिटिव कोरिलेशन दिखता है। सो समटाइम्स आप एक क्रूड पाम ऑयल का स्टेटस क्या है वो चेक करके भी ऑन एन एवरेज आप एक अंदाजा लगा सकते हो, एक एस्टिमेशन लगा सकते हो कि ये किस तौर पे आप अपने एनालिसिस के लिए या स्टडी के लिए आप यूज कर सकते हो। वैसे ही रिफाइंड सोयाबीन ऑयल एनसीडेक्स और क्रूड पाम ऑयल MCX की अगर हम कंपैरिजन करें तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव कोरिलेशन दिखाई देता है, जो 50% 2016 में था और अप्रोक्सीमेटली 62% 2021 में वो बढ़ गया था। दूसरी जगह अगर हम CPO यानी क्रूड पाम ऑयल MCX और बुर्सा मलेशिया की BMD कंपेयर करें, अभी BMD कंपेयर करने के लिए बेसिकली पॉइंट ये है कि बुर्सा मलेशिया जो है उसपे सबसे ज्यादा, इट इज द वर्ल्ड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रूड पाम ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पे ट्रेडिंग की जाती है, इसीलिए बुर्सा मलेशिया को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। और 2016-17 से वापस एक बार देखिए तो 43% वो क्रूड पाम ऑयल का कोरिलेशन था, और जो थोड़ा थोड़ा कम होके वापस एक बार थोड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 48% सीन इन 2021। और वही अगर हम अभी CPO यानी क्रूड पाम ऑयल MCX
और सोया ऑयल सीबॉट की कंपैरिजन करें। सो अभी हम एमसीएक्स और सीबॉट यानी शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूएसए में जो है उसे कंपेयर कर रहे हैं। सो इसमें अगर हम देखें तो कम कोरिलेशन आपको दिखाई दे रहा है। सो 36% से शुरू होके आपको ऑन एन एवरेज 36, 46, 41%। सो यहाँ पे आपको कम कोरिलेशन ये दो प्रोडक्ट्स में दिखाई दे रहा है। और सीपीओ की अगर हम बात करें बुर्सा मलेशिया और सोया ऑयल सीबॉट की बात करें तो यहाँ पे भी कंपैरेटिवली आपको कम कोरिलेशन होता दिखाई दे रहा है। सो 44 से घटकर 26, 21% इतना कम कोरिलेशन हो गया था वो, जो वापस अभी 2019 और 20 में थोड़ा बहुत बढ़ता 45, 39% होता दिखाई दे रहा है। सो इस तौर पर बेसिकली हम ये सब देख के क्या कहना चाहते हैं कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, आप अपनी जो भी प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आप यूज करके थोड़ा बहुत अपना स्टडी करें, थोड़ा बहुत अपना एनालिसिस करें, एस्टिमेशन करें, प्रोजेक्शन करें, और उस हिसाब से इंडिविजुअल कमोडिटीज के साथ ही आप कमोडिटी रिलेटेड जो इंडाइसिस है, स्पेसिफिकली सोइडेक्स, वॉरेक्स और एग्रीडेक्स, इसका यूज करके आप अपनी डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट में पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। और दूसरी तौर पे आप अपनी जो रिस्क है पोर्टफोलियो से रिलेटेड वो भी कम करने की कोशिश आप इसके थ्रू कर सकते हो। सो ऑन एन एवरेज टू जस्ट सम इट अप, प्राइस कोरिलेशन हम 2016 से 21 तक का एवरेज अगर हम ले तो एनसीडेक्स और सीबॉट पे अगर सोया ऑयल को कंपेयर करें तो 37% का एवरेज हमें 2016 से 21 तक दिखाई दे रहा है। रिफाइंड सोया ऑयल का एनसीडेक्स और क्रूड पॉम ऑयल बीएमडी है बुर्सा मलेशिया को कंपेयर करें तो 38% का कोरिलेशन दिखाई दे रहा है। एनसीडेक्स, रिफाइंड सोया ऑयल और क्रूड पॉम ऑयल एमसीएक्स अगर कंपेयर करें तो 56% ऑलमोस्ट आपको कोरिलेशन दिखाई दे रही है, जो एक और आपके लिए इंडिकेटर हो सकता है कि आप इसमें किस तौर पे और किस लिए आप इसमें इन्वेस्ट करें। और इसी तरह आप ये सब डेटा एनालिसिस करके स्टडी करें। कोई भी चीज हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज आपको बहुत जल्दी नहीं करनी है, आपको सोच समझ कर, आपको अपनी एनालिसिस कर, आपको अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी समझ के फिर ही आपको इसमें कोई भी जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वैसे आप कर सकते हो। और जैसा मैंने कहा, वापस एक बार कह रहा हूं कि ये सभी प्रोडक्ट्स आपको एनसीडेक्स ऑफर कर रहा है, और ये प्रोडक्ट्स के थ्रू आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें रिस्क डेफिनेटली कम करने की कोशिश और अपना पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश आप इस तरह कर सकते हो। और लास्ट जो आपको मैं बताना चाहूंगा तो वो थोड़े बहुत चीजें जो आपको करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। सो जो चीजें आपको करनी है, सबसे पहले तो आपको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके साथ ही आपको चलना है। सर्क्यूलर जो भी एक्सचेंज या सेबी इशू करता है वो आप पढ़े, वो वेबसाइट पे एक्सचेंज की या रेगुलेटर की वेबसाइट पे आपको उपलब्ध है। कोई भी ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के थ्रू ही केवाईसी आपका पूरा प्रोसेस करने के बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। जैसा मैंने कहा, रिस्क क्या है वो समझकर रिस्क डिस्क्लोजर स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट आप पढ़े और उसके बाद ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो उसमें आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट जिसे रिसीट हम कहते हैं वो मिलना बहुत जरूरी है। सो वो आपको मिल रहा है कि नहीं वो आप चेक करें, अगर ना मिलता हो तो डेफिनेटली आप उसके लिए डिमांड कर सकते हो। और जो भी डिटेल्स है वो सभी आपको समझ के उसके बाद ही आपको रिस्क वो लेना है कि नहीं वो समझ के आपको आपकी इन्वेस्टमेंट करनी है। हमेशा आप याद रखें कि आपका जो डीपी स्टेटमेंट है या डीपी होल्डिंग स्टेटमेंट है वो आप चेक करते रहें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके पास कितने कमोडिटीज है, कितने इन्वेस्टमेंट्स आपने की है वो ऑलमोस्ट करेक्टली वहां पे मेंशन हुई है कि नहीं। और पूरी तरह जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो याद रखें कि कोई भी डीलिंग आप डब्बा ट्रेडिंग के थ्रू ना करें, बेसिकली आउटसाइड द मार्केट ना करें, बिकॉज उसमें अनरेगुलेटेड होने की वजह से ज्यादा रिस्क आपको दिखाई देती है। ऑल्सो कैश में कोई भी ट्रांजेक्शन करने की कोशिश ना करें, बिकॉज इंडियन कैपिटल मार्केट्स में कैश ट्रांजेक्शन बैन की गई हुई है। सो आप जो भी ट्रांजेक्शन करें वो आप ट्रेडिशनल बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल करके, आप चेक, डिमांड ड्राफ्ट के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू ही आपकी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। हमेशा याद रखें कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज कमोडिटी मार्केट्स में अलाउड की गई नहीं है। सो कोई भी इन्वेस्टर आपको
बेसिकली अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो और कोई पीएमएस आपको ये ऑफर कर रहा हो तो हमेशा याद रखें कि कमोडिटी मार्केट्स में आप पीएमएस के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर वैसा कोई ऑफर कर रहा है तो हमेशा वो रिस्क आपके लिए वहां पे होती दिखाई देगी। और क्या चीजें आपको नहीं करनी है, जैसा मैंने कहा कि अनरजिस्टर्ड कोई भी अगर इंटरमीडियरी हो तो उसके थ्रू आपको नहीं जाना है। कोई भी ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन, जैसा मैंने डब्बा ट्रेडिंग के बारे में आपको बताया, वो आपको नहीं करना है। कोई भी एडवर्टीजमेंट, कोई भी रूमर, कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे तो वो इंफॉर्मेशन पहले आप वेरीफाई करें। अगर आप ऐसा चाहते हैं, आप ऐसा कहना चाहते हैं कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कैसे वो वेरीफाई करूं, तो कोई बात नहीं, किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले, उनकी एडवाइस ले, रेकमेंडेशन ले और उसके बाद ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। हमेशा याद रखें कि जहां पर भी आपको बहुत ज्यादा रिटर्न, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आपको दिखाई दे, बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखाई दे, वहां पर आपको उतनी ही ज्यादा रिस्क भी होती है। ये आपको हमेशा मालूम होना बहुत जरूरी है। रिस्क क्या है वो सोच समझ कर समझे, पूरी तरह समझे और उसके बाद ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। और कोई भी रूमर जो मार्केट में बहुत ज्यादा फैलाई जाती है, बहुत ज्यादा रूमर्स मार्केट में होती है, उसको आप हमेशा फेस वैल्यू पे ना ले, उसको पूरी तरह जांचे, पूरी तरह चेक करे वो बरोबर है कि नहीं, वो समझे और उसके बाद ही अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आप करें। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड। हमेशा अगर आप ये सब ना समझे तो मैंने आपको वापस एक बार कहना चाहता हूं कि आप एक्सपर्ट्स की मदद ले, उनसे एडवाइस ले, उनकी ओपिनियन ले और उसके बाद ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। सो ये सभी चीजों का आप ध्यान में रखकर पूरी तरह समझकर, अगर आप ना समझे तो एक्सपर्ट्स की हेल्प लेकर, इस तरह आप अपनी इन्वेस्टमेंट अलग अलग प्रकार की एनसीडेक्स जो भी कमोडिटीज ऑफर करता है और उसके साथ ही इंडेक्सेस, इंडाइसिस जो मैंने कहा, जैसे कि एग्रीडेक्स, सोएडेक्स और गोआरेक्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करने की कोशिश करें। मगर कोई भी जल्दबाजी करके आपको ये नहीं करना है, सोच समझ कर उसके बाद ही आपको ये पूरी तरह आपकी इन्वेस्टमेंट करनी है। सो इस तरह जो भी इंफॉर्मेशन आपको हम बताना चाह रहे थे, अभी मैं पुनीत को आगे जाके हैंड ओवर करता हूं कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर वो और कुछ इसमें ऐड करना चाहे तो डेफिनेटली वो अपनी इसमें इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं और उसके बाद में हम आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके प्रश्न होंगे वो हम लेंगे। ओवर टू पुनीत। थैंक यू। थैंक यू सो मच अमोक सर, और बड़ा ही अच्छा सेशन अब तक रहा है सर, और आई होप कि हमारे जो दर्शक हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, उनको भी ये जितना भी सर ने बताया है वो सब समझ में आया हो और ठीक तरीके से इस पर वो इम्प्लीमेंट करें। कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं मेरे एंड से बताना चाह रहा हूँ। कमोडिटी, स्पेसिफिकली एग्री कमोडिटीज़, अपने आप में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। आप देखेंगे, हम सोया बीन से सोया ऑयल हम हमारे डेली कंजम्पशन में यूज़ होता है। ग्वार गम हमारे इंडस्ट्रियल यूज़ में होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ग्वारेक्स और सोया डेक्स हैं वो काफ़ी हमसे जुड़े हुए हैं, और इसके लिए जो फंडामेंटल नॉलेज जो हम बोलते हैं, आप अगर मार्केट में निवेशक हैं या फिर आप वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट भी हैं, तो किसी भी निवेश या कोई कोई भी आप यदि कोई बाइंग या सेलिंग करते हैं, तो हमेशा दो चीज़ें हम ध्यान में रख के चलते हैं जो कि मार्केट में बड़ा चलता है, कि आपको एक टेक्निकल एनालिसिस करना है, टेक्निकल तरीके से चीज़ों को समझना है, फिर फंडामेंटली समझना है। और फंडामेंटली जो चीज़ें अपने से जुड़ी होती हैं उनको हम बहुत जल्दी समझ सकते हैं। तो सोयाबीन आप देख सकते हैं कि क्योंकि सोयाबीन हम भारतीय लोग बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज जो है, हमारी इकोनॉमी जो है, वो ट्रिलियन क्रॉस करने के बस कगार पे ही है। तो अगर ऐसी रॉ मटेरियल्स हमारे आजू बाजू में इस्तेमाल हो रही हैं, तो उसका एवेन्यूज़ कितने बड़े हैं, और एवेन्यूज़ अगर बड़े हैं और इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से भी देखें, तो ऑब्वियसली ये हमें अच्छा रिटर्न्स, एक अच्छा स्थिर सोर्स हमें दे जाती है एज अगेंस्ट जो बाकी के एसेट क्लासेस हैं। दूसरी एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एक बड़े ही अच्छे इन्वेस्टर ने कहा है, और ये जो कहावत है ये हम बहुत देखी सुनी सुनाई कहावत है कि नेवर कीप योर एग्ज इन वन बास्केट, कि हमें हमेशा अपना जो निवेश है वो एक प्रोडक्ट में नहीं करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए। हमें आज तक बस यही पता है कि इक्विटी है, कैश है, बॉन्ड है,
पर आप देखिए कि एग्री कमोडिटीज जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, उसमें भी आप निवेश करके एक अच्छा स्थिर और काफी अच्छा रिटर्न्स आप ले सकते हैं। तो अगर इतने सारे आपके पास डाइवर्स पोर्टफोलियो अवेलेबल हैं, और जिसमें यदि आप किसी भी प्रकार के निवेशक हो, या चाहे आप वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट हो, वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट का अर्थ होता है कि यदि आप सोयाबीन से सोया ऑयल बना रहे हो, कोई मिलर हो, कोई प्रोसेसर हो, या फिर आप फार्मर भी क्यों ना हो, तो आप ऐसे कैश सेटल, जो कि कैश सेटल का मतलब होता है कि आपको डिलीवरी नहीं लेनी होगी यहाँ पर, तो चाहे कोई किसी भी तरह का इन्वेस्टर हो, वो इसमें आकर पार्टिसिपेट कर सकता है अपने नॉलेज के दम पर, और थोड़ा सा एनालिसिस करके वो इसमें निवेश करके एक अच्छा रिटर्न पा सकता है। तो ये बहुत आसान है, आपको इसमें ज़्यादा, आजकल तो सेबी के आने के बाद जितनी चीज़ें क्या कह सकते हैं उस चीज़ को, इतनी आसान हो गई हैं निवेशकों के दृष्टिकोण से, कि आपको बस अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है, एक डीमैट अकाउंट खोलना है, और आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से, जो आसपास की आपकी अखबारों में जो खबरें आती हैं, जो आपके गली मोहल्ले में जो 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 चीज़ें चलती हैं, जैसे हम मंडी में जाते हैं तो हम हमेशा ये प्रिडिक्ट करके जाते हैं कि चलिए विंटर आने वाला है तो पर्टिकुलर फल आएगा तो इसके भाव इतने होंगे, तो उसी प्रकार से सोयाबीन है या फिर ग्वार है, तो बहुत ज़्यादा आसान है हाँ, लेकिन हमें अपनी बुद्धि और विवेक दोनों का इसमें हमेशा इसमें साथ रहना चाहिए, कि हम जो निर्णय कर रहे हैं वो एक बार ही हम फिर से क्रॉस वेरीफाई करें, कई एक्सपर्ट्स की राय लें, और फिर इसमें निवेश करें, फिर हमें जो भी चीज़ें आगे कदम उठाना चाहिए वो हमें करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं, यदि उनके कोई प्रश्न है तो वो प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो भी प्रश्न हो उसका हम ठीक तरीके से उत्तर दे पाए। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वो हमसे पूछ सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर. एम आई ऑडिबल? जी, यू आर ऑडिबल। सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो नए वीसीपी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो किस तरीके से इंडाइसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो हाँ, इसका जवाब मैं दे देता हूँ। बेसिकली अगर आप कोई वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट हैं, तो बेसिकली आप इंडेक्स का उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, अगर आप वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट हैं, इसका मतलब आप कोई मिल चलाते हैं या फिर आप प्रोसेसर हैं, तो बेसिकली आप सोयाबीन से, मान लीजिए आप सोयाबीन के प्रोसेसर हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ताकि हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को भी समझ में आ जाए, आप सोयाबीन से सोया ऑयल बनाकर बेच रहे हैं, या उसकी DOC बेच रहे हैं, खली बेच रहे हैं, तो यदि आप तेल बेच रहे हैं या उसकी खली बेच रहे हैं, तो आप एक पर्टिकुलर भाव के ऊपर बेचेंगे, वो भाव आप बदल नहीं सकते। यदि आप तेल बेच रहे हैं तो आपका जो एंड प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू आपको सेम ही रखनी है एट एनी गिवन टाइम। 12 महीने आप उसकी कॉस्टिंग हर महीने चेंज तो नहीं कर सकते। जहाँ पर आपकी रॉ मटेरियल सोयाबीन के भाव हर महीने हर दिन चेंज होते जा रहे हैं, मंडियों में भी और फ्यूचर्स में भी, तो ये आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है कि आप अपने एंड प्रोडक्ट जो कि आपका तेल है, उसका भाव किस तरीके से आप एक स्थिर प्राइस तक रखें, ताकि आपको एक कॉन्स्टेंट रिटर्न मिले, आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो बरकरार रहे। तो इस केस में सोयाडेक्स आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है? यदि आपको, मान लीजिए कि बेसिकली आपको इसके साथ प्राइस रिस्क एसोसिएट होता है, तो यहाँ पर आप सोयाडेक्स के फ्यूचर्स के माध्यम से, यदि आपको पता है कि आपको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी लगेगी जिसकी इतनी इतनी प्राइस आगे चलकर बढ़ सकती है, तो आप उसको अभी से सोयाडेक्स के माध्यम से खरीद कर अपने आप को हेज कर सकते हैं। हेज का मतलब होता है कि आप अपना प्राइस रिस्क मिटिगेट कर रहे हैं। प्राइस रिस्क आप कौन सा मिटिगेट कर रहे हैं? रॉ मटेरियल के चढ़ते घटते भावों को आप इंडाइसिस के फ्यूचर्स के माध्यम से अपने आप को बचा रहे हैं। तो ये आपके लिए इस तरीके से एक बहुत ही कम मार्जिन के अंदर, मतलब कम पैसों के अंदर,
आपका जो रिस्क है प्राइस एसोसिएटेड एंड प्रोडक्ट के साथ, वो आपका यहाँ पे मिटिगेट हुआ, जीरो नहीं हुआ पर कुछ हद तक कम हो गया। जिस हद तक वो कम हुआ, जिस परसेंटेज तक वो कम हुआ, वो आपका अल्टीमेटली आपका एक प्रॉफिट है, आपका एक प्राइस से रिलेटेड मेंटेनेंस है। आई होप मैंने आपके प्रश्न का ठीक तरीके से उत्तर दिया हो। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं एक बार फिर से हमारे सारे दर्शकों से निवेदन करूंगा कि यदि कोई और प्रश्न है उनके तो वो हमसे पूछ सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कोई प्रश्न हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, और अभिषेक सिंह जी ने लिखा है कि कोई प्रश्न नहीं है उनकी तरफ से, काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया है। तो अमोक सर, मैं इसको एक कॉम्प्लीमेंट की तरफ से लेता हूँ और आपको देता हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है आज का सारा वेबिनार, जो भी जितना भी हम कंटेक्स्ट समझाना चाह रहे थे। और आई होप हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स इस ठीक तरीके से समझेंगे, और NCDs के जो इंडाइसेस हैं, जो कि कैश सेटल प्रोडक्ट है, स्वाइडेक्स, गुआरेक्स और एग्रीडेक्स, इनमें निवेश करके एक अच्छा रिटर्न ले पाएंगे। इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अमोक सर का, आज वो आए हमारे गेस्ट स्पीकर बनकर और इतना अच्छा और आसान भाषा में हमें समझाया। हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ट्रेडिंग आवर्स में, वर्किंग आवर्स में उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, करीब करीब 1 घंटे का समय निकाला और इस पूरी वेबिनार में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। आशा करता हूँ कि ये आज का वेबिनार आपके लिए बहुत ज़्यादा इलेबोरेटिव और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी के साथ मैं आपसे धन्यवाद लेता हूँ, और NCDX आपके लिए ऐसे ही वेबिनार्स लाता रहता है जिसके अंदर आपको कई कमोडिटीज़ की, हमारे प्रोडक्ट्स की और मार्केट की जानकारी देता रहता है। तो हमसे आप जुड़े रहे, हमें आप लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आप हमें हमेशा फॉलो कर सकते हैं। जहाँ पर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे वो भी पूछ सकते हैं, askus@ncds.com के ऊपर। इसी के साथ मैं आज का वेबिनार समाप्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ अमोक सर का और सारे पार्टिसिपेंट्स का। हैव अ वेरी नाइस इवनिंग एंड थैंक यू ऑल। जी 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 का जी धन्यवाद, थैंक यू। जी परम, एनी फीडबैक लिंक, तो आपके पास एक फीडबैक लिंक आ जाएगा इस पूरे वेबिनार के अंत के बाद। आपके जो मेल आईडी हमारे साथ शेयर करा है उसके ऊपर आपको एक फीडबैक लिंक आ जाएगा। और यदि आपका कोई प्रश्न भी है तो आप हमें डायरेक्टली मेल के थ्रू लिख सकते हैं, askus@ncdx.com के ऊपर। धन्यवाद।